कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो बीजेपी को वोट दो, अगर कांग्रेस को नहीं दिया तो बीजेपी को वोट दो, यानी बीजेपी जो है कांग्रेस का बी टीम है, यही तो ममता बनर्जी कह रही थी, यानी तृणमूल को वोट मत दो। यानी इनको जीतने की इच्छा से ज़्यादा तृणमूल को हराने की इच्छा है। ये विपक्ष जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कहते हैं दूसरे पार्टी को हराओ, दूसरे पार्टी को हराने के लिए ये चुनाव लड़ते हैं। उनके वोट दे माने तत्ते वाले बीजेपी के वोट देना, तृणमूल के वोट दे माने तत्ते के होने वाले बीजेपी के वोट देना, उनके वोट दे माने तत्ते वाले बीजेपी के वोट देना, तृणमूल के वोट दे माने तत्ते के होने वाले बीजेपी के वोट देना। पर नहीं है, इसके पहले भी राहुल गांधी ने भी वही किया था। केरल में क्या कहा था, वह अपने दुश्मन मोदी जी उनके दुश्मन हैं, उनके मोदी जी से वह रिक्वेस्ट करते हैं, अपने दुश्मन से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे दोस्त विजयन साहब, केरल के मुख्यमंत्री, मेरे दोस्त के खिलाफ कुछ कार्रवाई करो। आप दुश्मन से कहते हैं, मोदी जी से कहते हैं कि ये जो विजयन साहब केरल के मुख्यमंत्री मेरे दोस्त हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करो, उनका घर छीन लो, उनका मुख्यमंत्री पद छीन लो और उनके पीछे ईडी लगा दो। तो दुश्मन से कह रहे हैं अपने दोस्त का सत्यानाश करने के लिए। वही यहीं पर अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं, भाई पहले तृणमूल का सत्यानाश करो, ये मेरा दोस्त है, दुश्मन ठीक है, बीजेपी ठीक है, दुश्मन तो ठीक है, ये दोस्त को पहले खत्म करना है। उनके वोट दे माने तत्ते वाले बीजेपी के वोट देना, तृणमूल के वोट दे माने तत्ते के होने वाले बीजेपी के वोट देना, उनके वोट दे माने तत्ते वाले बीजेपी के वोट देना, तृणमूल के वोट दे माने तत्ते के होने वाले बीजेपी के वोट देना। राजनीति ये नहीं कि बीजेपी को हराना है, बल्कि आपस में एक दूसरे को हराना है ताकि वह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन सके। सत्ता में तो आएंगे नहीं, वो जानते हैं, कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 सीट आएगा, ये भी जानते हैं, तो उनको बाकी विपक्ष को 30 सीट से कम करना है, तब उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना रहेगा। इसलिए वह दूसरे विपक्ष के एलए को हराना चाहते हैं ताकि उनका सीट 30 से कम हो और मेरा सीट 30-32 जो भी हो, हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेंगे। तो उनका जो कहना है यह है कि मेरे दोस्त को हराओ, चाहे मेरे दुश्मन को वोट दे दो। उनके वोट दे माने तत्ते वाले बीजेपी के वोट देना, तृणमूल के वोट दे माने तत्ते के होने वाले बीजेपी के वोट देना, उनके वोट दे माने तत्ते वाले बीजेपी के वोट देना, तृणमूल के वोट दे माने तत्ते के होने वाले बीजेपी के वोट देना।